कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। गंदा मास्क पहनने से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है ब्लैक फंगस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IGIMS में फार्माकोलॉजी के डिपार्टमेंट हेड का। अगर मास्क को बिना धोए सुखाए अधिक दिनों तक पहना जाता है तो उससे ब्लैक फंगस समेत कई तरह के इन्फेक्शन के चपेट में आने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि हमारे वातावरण में मौजूद ब्लैक वाइट जैसे फंगस थूक व बारिश से गीले हुए मास्क को अपना ठिकाना बना सकते हैं। इसके जरिए लोगों के मुंह और नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश कर अपना शिकार बना सकते हैं। फंगस प्रायः वातावरण में पाया जाता है और ज्यादातर नमी वाली जगह में ज्यादा पाया जाता है, और अगर हम मास्क का प्रयोग बार बार करें तो उसमें जो सांस छोड़ने के बाद उस मास्क की जो नमी होती है वो बच जाती है, और अगर हम मास्क को किसी गंदे जगह पे रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बार बार अगर उसी मास्क को प्रयोग कर रहे हैं तो ब्लैक फंगस या दूसरे भी जीवाणु का संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं और हम सब जानते हैं कि मास्क को एक दो बार या 72 घंटे, हर मास्क का अपना अलग अलग हाफ लाइफ है, और उतने देर के बाद हमें मास्क को चेंज कर लेना चाहिए। एक मास्क को बहुत ज़्यादा दिन तक यूज करने से बहुत सारे जीवाणु कीटाणु इंक्लूडिंग ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद अब लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। सरकार अब ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर तैयारी तेज कर रही है। पटना सहित पूरे बिहार में इन दिनों ब्लैक फंगस घातक रूप लेता जा रहा है। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वहीं ब्लैक फंगस के नए नए लक्षणों ने डॉक्टरों की समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। लोगों के द्वारा पहने जा रहे मास्क भी इस बीमारी का एक कारण बन रहे हैं। मास्क की गंदगी भी लोगों को इस संक्रमण की चपेट में ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।